दस दिनी महोत्सव के बाद में आज गणेश उत्सव का समापन हो गया। घरों से लेकर सार्वजनिक पंडालों में विराजित गणेश जी की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। सब तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। वहीं नदी व तालाब के पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निगम ने 100 से अधिक स्थानों पर अस्थायी कुंड बनाकर तैयार किए थे। जन चेतना अभियान के कार्यकर्ता भी राजवाड़ा पर मूर्तियां एकत्र कर नर्मदा नदी विधि विधान से विसर्जन करते हैं। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से गणेशोत्सव के बाद में गणेश प्रतिमा को जलमग्न करके उसे ठंडी कर दिया जाता है। इसके चलते श्रद्धालु कुआं, बावड़ी, नदी और तालाबों में प्रतिमा ठंडी करते हैं, लेकिन पानी के प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्ती कर दी। इधर नगर निगम ने विकल्प के तौर पर 100 अस्थायी कुंड बनाए हैं, जिसमें 11 नदियों का जल रखा गया है। इससे आम जनता की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचे और परंपरा का विधिवत निर्वाह भी हो जाए। आज सुबह से उन कुंडों पर गणेश प्रतिमा ठंडा करने का सिलसिला शुरू हो गया था। कामकाजी लोग ने सुबह ही पूजन करके गणेश प्रतिमाओं को निगम को सौंप दिया। जन चेतना अभियान के कार्यकर्ता भी राजवाड़ा पर मूर्तियां एकत्र कर नर्मदा नदी विधि विधान से विसर्जन करते हैं।